गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग ऑल सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स, कैसे हो सब। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वीडियो का, वो है नियोमाइसिन। कि नियोमाइसिन हमारे कई फॉर्म में आती है, टेबलेट, उसमें टेबलेट फॉर्म में भी, पाउडर फॉर्म में भी, ठीक है, और क्रीम फॉर्म में भी आती है, ठीक है। तो इसे किस चीज़ में काम आती है, कितनी लगानी है, क्या चीज़ है, आज उसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, हम जो बात करने वाले हैं नियोमाइसिन के बारे में, जिसका कॉम्बिनेशन फॉर्मूले में आती है, कॉम्बिनेशन में, कि जिसमें नियोमाइसिन सल्फेट होता है, पॉलीमाइसिन बी सल्फेट होता है, और इसमें बैक्टी बेसिट्रेल ट्रेसिन जिंक पाउडर भी होता है, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन उसमें आती है, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, जैसे इसे तो नियोस्प्रिन के नाम से हम इसे देखते हैं, जो टेबलेट फॉर्म उसमें क्रीम फॉर्म में भी आती है, और दूसरी ये पाउडर फॉर्म में आती है। और अगर हम बात करें इसके यूज़ के बारे में, कि ये किस चीज़ में इस्तेमाल होती है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये जो मेडिसिन है, इसे हम इंजेक्शन फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते ये जानते हैं हम, क्योंकि ये जो हमारी नियोमाइसिन है वो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होती है, ठीक है, ब्लड में नहीं पहुंचती है, इसलिए हम इसे इंजेक्शन फॉर्म में नहीं देते। ये जो है सिर्फ स्टोमक में ही, स्टोमक में रह जाती है, ठीक है, स्टोमक के बाद कहीं नहीं जाती है, तो ब्लड ब्लड में ये कहीं नहीं जाती, इसलिए हम इसे इंजेक्शन फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते। और इसके ये जो है, इसके हम बात करें कि तो ये दो टाइप की होती हैं, जिसमें पहला टाइप हम कहते हैं टॉपिकल, ठीक है, और दूसरा जो टाइप होता है हमारा ओरल। तो बात करते हैं हम सबसे पहले टॉपिकल के बारे में। तो टॉपिकल में जो है हमारी है क्रीम और पाउडर फॉर्म आती है, ठीक है, और ओरल में टेबलेट आती है, जो हम मुँह के थ्रू हम लेते हैं। तो टॉपिकल में बात करें, जिसमें हमारे क्रीम और पाउडर आती है, तो ये किस काम आती है, यानी चोट लगने पे, ठीक है, या बर्न जल जाने पे, अल्सर छाला हो जाता है, या ईयर इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन जैसे हो जाता है, कंजक्टिवाइटिस आँख के इन्फेक्शन में, ठीक है, और कट ऑफ एम्बिलिकल कॉर्ड, यानी बच्चों की जो नाभि होती है, बच्चों में, छोटे बच्चे जो छोटे होते हैं, जो अभी पैदा हुए थे, तो उनके नाभि पे जो सूजन वगैरह सी या बैक्टीरियल वो होता है, तो उसमें पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल होता है। और इसके बात करें तो ये जो है हमारी जो मेडिसिन है, ये सरफेस एरिया पे लगाते हैं इसे, हम अपने बॉडी के सरफेस एरिया, जैसे कि स्किन वगैरह, तो ये बाहर की तरफ हम लगाते हैं इसे। और बात करें ओरल की, जो हमारे टेबलेट फॉर्म में आती है, ठीक है, ये टेबलेट फॉर्म में बहुत कम इसे इस्तेमाल करते हैं, इसे ज़्यादातर कोई इस्तेमाल नहीं करता, वैसे बहुत कम इस्तेमाल होती है ये। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा क्या जाने कि सिर्फ इसे मुंह के थ्रू लेते हैं, वैसे सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होती है, आपने देखा होगा, तो नियोस्प्रिन पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, और नियोस्प्रिन क्रीम में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बात करते हैं अब हम इसकी डोज के बारे में। तो डोज हम करते हैं टॉपिकल के बारे में सबसे पहले। तो जो एडल्ट बड़े उसमें जो होती है, ये बड़ों को दी जाती है, ये 2 से 3 बार दी जाती है, एक दिन में 2 से 3 बार हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, यानी ट्यूब को या पाउडर फॉर्म को हम इसको 2 से 3 बार देंगे। और इसे अडल्ट में 7 दिन तक लगानी है, सिर्फ 7 दिन से ज़्यादा नहीं, और 7 दिन से पहले ठीक हो जाए तो ठीक है, वरना 7 दिन तक मिनिमम लगा लो, जो हमारी मिनिमम डोज है, हमारा जो टाइम है, मतलब ड्यूरेशन है, तो इसमें 7 दिन होता है। दूसरा बात करें बच्चों में, तो ये बच्चों के जो लगाई जाती है, ये भी 2 से 3 बार दिन में, एक दिन में पर डे में 2 से 3 बार लगाते हैं। और इसके टाइम की बात करें तो आपको इसे 5 दिन लगानी होती है। अब इसके सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि साइड इफ़ेक्ट क्या चीज़ है इसमें। साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम इसको इंजेक्शन फॉर्म में लगाते हैं, तो सबसे पहले ऑटोटॉक्सिक होता है, दूसरा नेफ्रोटॉक्सिक होता है, ठीक है। ये जो हमारा है ऑटोटॉक्सिक होता है, जो ईयर डैमेज हो जाता है हमारे, इससे हमारा ईयर डैमेज हो सकता है। दूसरा नेफ्रोटॉक्सिक, इससे हमारी किडनी डैमेज हो सकती है। और हम अगर बात करते हैं ओरल की, जो हम टेबलेट फॉर्म में खाते हैं, इससे जो है
अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करें, वैसे इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं हम ज़्यादातर, लेकिन अगर इस्तेमाल इससे करते हैं तो हमारे इंटेस्टाइनल डैमेज हो सकते हैं, यानी हमारी आंतें ख़राब हो सकती हैं। तो हमने आज जानी नियोमाइसिन के बारे में कि नियोमाइसिन क्या चीज़ है, कितनी डोज लेनी है, और ये दो फॉर्म में सबसे ज़्यादा आती है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में, क्रीम फॉर्म में, नियोस्पोरिन के नाम से। आप, मैं स्क्रीन पर ये दिखा रहा हूँ, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यही वाली होती है असली, जो इसके दूसरे नाम से भी बहुत सारी आती हैं, तो ये है ओरिजिनल वैसे। तो हमारी वीडियो आज यहीं ख़त्म होती है। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, आपको कुछ यूज़फुल लगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसी वीडियो लगी और अगली वीडियो किस मेडिसिन पर बनाएं। तो हमारे चैनल पर जल्दी से कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।